हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी YouTube वीडियो पर टैग्स किस तरह लगा सकते हैं। टैग्स लगाने का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आपके चैनल के व्यूज़ बढ़ जाते हैं, आपकी वीडियो को ज़्यादातर लोग देखते हैं। जैसे ही वो सर्च करते हैं तो आपने अगर वो टैग्स लगाए हुए हैं तो आपकी वीडियो उनके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है studio.youtube.com। तो ये आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके साथ ही आपने एक और चीज़ को ओपन कर लेना है और वो है keywordtools.io। तो ये भी आपने सर्च कर लेना है keywordtools.io। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये दूसरे वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना, इसको ओपन कर देना है। जैसे इसे ओपन करेंगे तो ये आपके सामने कीवर्ड टूल्स की वेबसाइट नज़र आ गई है, ओपन हो गई है। और यहाँ पर आपने अपने वीडियो का टाइटल लिखना है, जैसे हाउ टू क्रिएट गूगल अकाउंट। तो ये वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो ये आप यहाँ से देखें, यहाँ पर आपने यूट्यूब को सिलेक्ट करना, याद रखें। ये गूगल, बिंग, अमेजोन, ईबे, प्ले स्टोर सारे ये हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आपने यूट्यूब को सिलेक्ट करना है। और इस साइट पर लैंग्वेज को आपने इंग्लिश में सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पर अपना टाइटल लिखना है वीडियो का और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के हाउ टू क्रिएट गूगल अकाउंट के और इससे मिलते जुलते तमाम फिकरात को ये सामने ले आएगा। ये देखें, ये गूगल हाउ टू क्रिएट गूगल अकाउंट के बारे में जितने भी लोग जिस नंबर से भी सर्च करते हैं, जिस अल्फाज से भी सर्च करते हैं, वर्ड से सर्च करते हैं, वो सारे वर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। और ये तकरीबन 183 यूनिक कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ से आपने तकरीबन 10-15 सेलेक्ट कर लेने। ये कीवर्ड टूल जो होते हैं, ये सॉरी टैग्स जो होते हैं, ये 500 वर्ड्स तक इस्तेमाल हो सकते हैं। 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो कि आगे मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ से मैं 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना है, कॉपी टू क्लिप बोर्ड। कॉपी टू क्लिप बोर्ड करने के बाद फिर आपने चले जाना है अपने चैनल के डैशबोर्ड पर, studio.youtube.com जो आपने ओपन किया है। तो वहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पर देखें कंटेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने कंटेंट पर क्लिक करना है। कॉन्टेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी वीडियो है और इस वीडियो के पे आप जब कर्सर या एरो लेकर जाएंगे तो ये पेंसिल का निशान आपको नज़र आएगा, यहाँ से आपने पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान का मतलब है डिटेल्स, तो आपने डिटेल्स पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने शो मोर पे क्लिक कर देना है। और शो मोर पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आएगा टैग्स। टैग्स में यहाँ पर आपने वो कीवर्ड जो आपने वहाँ से keywordtools.io से कॉपी किए हैं वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देने हैं। जैसे पेस्ट करेंगे तो ये इसकी बॉर्डर लाइन देखें, ये रेड हो चुकी है। रेड इसका मतलब है कि ये कीवर्ड टूल 500 वर्ड से ज़ायद है। ये देखें, ये तकरीबन 638 बन रहे हैं। तो ये हमने 500 तक महदूद रखना है, तो हम इसमें से कुछ डिलीट कर देते हैं। देखें, ये बिल्कुल 500 ही बन चुके हैं, तो दो डिलीट किए हैं, बाकी 500 वर्ड किए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप 500 बनाएंगे तो ये बॉर्डर लाइन जो है ये नीले रंग की हो गई है। तो यहाँ पर आपने टैग लगा दिए, अब इसको आपने सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी वीडियो चेंजेस सेव्ड हो चुकी है, तो आपके चैनल पे आपकी वीडियो पर अब टैग लग चुके हैं।